इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्राइव के अंदर अगर आपको नो कनेक्शन का इशू आता है जब आप कोई फाइल खोलते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है आपको ऐप्स में जाना पड़ेगा, मैनेज ऐप्स में जाना पड़ेगा और ड्राइव को सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद यहाँ से इसका डेटा क्लियर मार देना है। ठीक है, ये करना है आपको और रिस्ट्रिक डेटा यूसेज दिखाई दे तो सब पर टिक करके आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ से बैक लाना है, बैक ला देना है, बैक ला देना है, बैक ला देना है और चेक कर लेना है कि आपका मोबाइल डेटा ऑन है या नहीं है। अगर ऑन है तो फिर एरोप्लेन मोड लगाकर बंद कर दीजिएगा। ठीक है, और एडिक्सल सेटिंग्स को बिल्कुल परफेक्टली जो है रख लीजिएगा, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और फिर जो है आप प्ले स्टोर में जाइएगा और सर्च करिएगा ड्राइव को और ड्राइव में आपको अपडेट मिलता है तो सिंपली आप जो है अपडेट कर लीजिएगा। तो फिर आपकी जो ये प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व हो जाएगी, बस अपने फ़ोन को बंद करके खोल लीजिएगा। अगर आपने डेटा क्लियर मान लिया है तो आप जो है अकाउंट लगाकर फिर उसे खोल सकते हैं स्कैनिंग करके इजीली। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।